हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना झोमन्स रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा हरी मिर्च की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भरवा हरी मिर्च की सब्जी बनाना। हरी मिर्च की सब्जी या भरवा हरी मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की हरी मिर्च ली है, उनको अच्छे से धो के क्लीन करके लिया है। अब हम हरी मिर्च को बीच में कट कर लेंगे और उसके अंदर के बीज निकाल लेंगे ताकि स्टफिंग आसानी से भर सके। इस तरह से हरी मिर्च को बीच में कट कर लिया है, अब उसके अंदर के बीज निकाल लेंगे। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसके अंदर के बीज निकाल सकते हैं। इस तरह से सभी मिर्च के अंदर के बीज निकाल लेंगे। हरी मिर्च को बीच में कट करके उसके अंदर के बीज निकाल लिए हैं, खाली कर लिया है ताकि स्टफिंग आसानी से भर सके। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। 4 बड़े चम्मच रोस्टेड मूंगफली के दाने का कूट डाल देते हैं, दरदरा ग्राइंड करके लिया है। 4 बड़े चम्मच रोस्टेड बेसन वो डालेंगे। बेसन को मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया है, इस रेसिपी में बेसन को रोस्ट कर लेना ज़रूरी है, मिर्च की टेस्ट इससे बहुत बढ़िया आएगी। 4 चम्मच ग्राइंड किया हुआ सूखा नारियल वो डाल देते। अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर वो डाल देते। इस सब्जी में खट्टापन लाने के लिए 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारा स्टफिंग तैयार है, अब हम हरी मिर्च के अंदर स्टफिंग भरेंगे। हाथ से प्रेस करेंगे। इस तरह से सभी हरी मिर्च के अंदर स्टफिंग भरेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बचा हुआ स्टफिंग हम ग्रेवी में डालेंगे। भरवा हरी मिर्च बनाने के लिए पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे।
तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें डालेंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे भून लेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब उसमें डालेंगे 5 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक, दोनों को साथ में क्रश कर लिया है वो डालेंगे। एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे से भून लिया है, अब उसमें डालेंगे हींग, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें डालेंगे बचा हुआ स्टफिंग, स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है ये रेसिपी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक मिनट तक भून लिया है। अब उसमें डालेंगे भरुआ मिर्च, भरुआ हरी मिर्च, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले ना जले। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हमने स्टफिंग में भी नमक डाला था इसलिए थोड़ा कम, सिर्फ ग्रेवी के लिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी भरवा हरी मिर्च की सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम हरी मिर्च को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में पलट देंगे। हमारी गर्मा गर्म भरवा हरी मिर्च की सब्जी परोसने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं उसका कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी। गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिया से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।